नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्व व्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। सिमंदर जनाले के वार्षिक प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रवचन सार महामंडल विधान के माध्यम से और इस व्याख्यान माला के माध्यम से ये कार्यक्रम अपन लोग मना रहे हैं। आवश्यकता नहीं हो तो मोबाइल को साइलेंट कर लें। सुबह से पूरा वातावरण प्रवचन सार के रंग में रंगा है। आचार्य कुंदकुंद ने आज से 2000 वर्ष पहले इस भरत क्षेत्र की वसुधा पर इन पंच परमागमों की रचना की और उसमें भी जो ये प्रवचन सार नाम का परमागम है ये तो वास्तव में आचार्य देव की एक ऐसी रचना है जिसने हमें जैन दर्शन में प्रतिपादित वस्तु व्यवस्था का बहुत अच्छे से ज्ञान कराया। एक एक परमागम उनका जोरदार है और जोरदार होना भी चाहिए। आचार्य कुंदकुंद देव का जीवन जब अपन पढ़ते हैं तो पिछले भव में ग्वाला के पर्याय में उनका अवतार था ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है और उनको एक जिनवाणी मिली किसी वृक्ष के पोठार में जो भी होता है ना उसमें एक जिनवाणी मिली। अब ग्वाला तो क्या समझे, काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन उनको उस ग्रंथ के प्रति इतना बहुमान आया और उसने उन्होंने उसे अपने घर पर लाकर के विराजमान कर दिया। एक दिन किसी मुनिराज को आहार करने के लिए पधारे थे तो वो ग्रंथ उन्होंने बहुत भक्ति भाव पूर्वक मुनिराज को समर्पित किया और आपको पुराणों से या कथाओं से ही ज्ञात होगा कि वो अगले भव में जाकर के जिनके यहां उन्होंने जन्म लिया उनकी माता जन्म से उन्हें शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव की लोरियां सुनाती थी। जिन लोगों को यह भ्रम है कि समय सार तो बहुत ऊंची कक्षा वालों के लिए है, ये आत्मा के शुद्ध बुद्ध की चर्चा ये तो बहुत ऊंची भूमिका में जब अपन पहुंच जाए तब है, तो ये भ्रम का प्रक्षालन अपने को कर देना चाहिए। आचार्य कुंदकुंद की माता ने लोरियों में कुंदकुंद आचार्य को शुद्ध बुद्ध और एक स्वभाव की लोरियां सुनाई थी। आया है ना, उस समय बालक कुंदकुंद कितना समझ पाए कितना नहीं समझ पाए वो एक अलग बात है, लेकिन जब उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष की थी,
अपन कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों से तो परिचित है, उनके जीवन से, और उनके जीवन से अपने को क्या प्रेरणा लेना चाहिए, है ना। तो 11 वर्ष की उम्र में वे अपनी माता से जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने की आज्ञा मांगते हैं। कल्पना करो जरा वो दृश्य कैसा होगा, जब 11 वर्ष के बालक कुंद कुंद अपनी माता से जिन दीक्षा अंगीकार करने की आज्ञा मांगते होंगे, और वो माता कैसी होगी। हो सकता है थोड़ा बहुत मोह का परिणाम उसे आया हो और आंख में आंसू भी आए हो, लेकिन अंत में उन्होंने ये अनुमोदना उनको दी कि बेटा तू जिस मार्ग पर बढ़ रहा है वह मार्ग सीधा मोक्ष की ओर जाता है, और हमारे लिए भी वही मार्ग अनुमोदन के योग्य है। 11 वर्ष की उम्र में बचपन में सुने हुए संस्कार, 11 वर्ष की उम्र में जिन दीक्षा लेकर के गुरुदेव श्री तो जब इसका वर्णन करते हैं ना, इस दृश्य का बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं कि जिस समय वो 11 वर्ष के बालक बाल मुनि कुंद कुंद आहार के लिए छोटा सा कमंडल और छोटी सी पीछी लेकर वन में से नगर की ओर आ रहे होते हैं। क्यों वन में से नगर की ओर आ रहे होते हैं, क्योंकि मुनिराजों का वास कहां होता है, नगरों में मुनिराज नहीं रहते, मुनिराजों का वास नगरों में नहीं हुआ करता, वे वनों में रहा करते हैं। और एक आहार की परिस्थिति ऐसी होती है जब मुनिराज वन से नगर की ओर आते हैं, तो जरा कल्पना करो 11 साल के बालक कुंद कुंद बाल मुनि आहार चर्या के लिए नगर की ओर पधार रहे हैं, और जब 70 साल के 80 साल के 60 साल के 50 साल के श्रावक लोग बुजुर्ग लोग जब उनको हे स्वामी है नमोस्तु नमोस्तु है ना, और आहार जल शुद्ध है ऐसा करके उनका पड़गान करते होंगे, जरा कल्पना तो करो। ये दृश्य अभी 2000 साल पहले इस भरत भूमि पर घटित होता था, और कुंद कुंद आचार्य का जमाना वो जमाना था जब हमारे दिगंबर जैन दर्शन में शिथिलाचार का प्रवेश ही नहीं हुआ, शिथिलाचार अपनी जड़ें जमा चुका था, और जिसकी परिणति एक पृथक संप्रदाय के रूप में जन्म ले चुकी थी। इधर दिगंबर संप्रदाय में षटखंडागम आदि आगम की रचना हो चुकी थी, लेकिन अध्यात्म का क्षेत्र अछूता था, और जब तक आगम के आधार पर आगम में से अध्यात्म का मूल प्रयोजन नहीं निकाला जाए तब तक उस आगम का कोई मूल्य नहीं है। आगम का सार अध्यात्म है। तो आचार्य कुंद कुंद के सामने दो चुनौतियां थी, एक तो जैन दर्शन का जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था, जैन दर्शन की अध्यात्म जैन दर्शन का अध्यात्म तत्व ज्ञान, सम्यक दर्शन जैसे लोकोत्तर उपलब्धि का विषयभूत जो भगवान आत्मा है उसकी चर्चा भी उन्हें करनी थी, और जो दिगंबर संप्रदाय में माने मूल जैन संप्रदाय में विघटन होकर शीतलाचार के समर्थन और संपोषण से जो एक नया संप्रदाय जन्म ले चुका था उसके सामने दिगंबर धर्म के मूल स्वरूप को प्रकाशित करने की जिम्मेदारी वो भी आचार्य कुंद कुंद के कंधों पर थी। आचार्य कुंद कुंद लोग ये समझते हैं कि वे मात्र अध्यात्म के ज्ञाता थे, उनको मात्र समय सार नियम सार आता था, करना नियोग का ज्ञान था ही नहीं। भूलते हैं वे लोग, आचार्य कुंद कुंद वे महासंत हैं
कि जिन्होंने सटखंडागम के तीन खंडों पर परिकर्म नाम की टीका लिखी और जिसके उल्लेख बाद में धवला टीका के अंदर वीरसेन स्वामी ने किए हैं, यानी उनका करणान योग का आगम का ज्ञान कितना बड़ा चढ़ा था। आज हमारा सौभाग्य उतना नहीं कि उनका वो मूल टीका के दर्शन अपने को उपलब्ध हो सके, लेकिन उन्होंने वो रचना की। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, ये जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था, जैन अध्यात्म और वीतरागी संत की अंतर परिणति का विवेचन करने वाले ग्रंथ तो बनाए ही, साथ में अष्ट पाहुड़ जैसा ग्रंथ कि जिसमें इस कठोरता के साथ में तत्कालीन समय में मुनि मार्ग का स्वरूप प्रसिद्ध किया कि मुनि पद है वो यथा जात रूपधर है। क्या शब्द का प्रयोग किया? यथा जात रूपधर है, जैसा जन्म होते समय माता ने जैसा जन्म दिया ऐसा नग्न दिगंबर रूप होता है, मुनि राज उसमें तिल के तुस मात्र ग्रहण नहीं करते। क्या कहा? क्या शब्द का प्रयोग किया? तिल के तुस, तिल मन तिल्ली, और तिल्ली का मतलब उसका भी कितना छिलका, उतना मात्र भी ग्रहण नहीं करते, और ग्रहण करे तो आचार्य भगवान को यह कहना पड़ा निगोद जाते हैं। बोलो साहब क्यों? क्योंकि उस समय मुनि दशा में लोग परिग्रह रख करके, वस्त्रादि रख करके और अन्य अन्य उपकरण रख करके अपने को मुनि मानते थे, मनवाते थे, उस स्थान पर उन्होंने यह स्थापित किया कि भाई मुनि जात, मुनि लिंग वो तो यथा जात रूपधर है, और जैसा यथा जात रूपधर मुनि धर्म का स्वरूप होता है उसके जीवंत प्रतीक बनकर कुंद कुंद आचार्य खड़े थे। इसी प्रवचन सार में जहां चरणानियोग सूचक चूलिका का वर्णन शुरू हुआ है ना, तो एक बहुत बढ़िया शब्द उन्होंने कहा कि हे जीवो, यदि तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। किसको कह रहा है? कह रहे हैं रस्ते चलते आदमी को नहीं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से जो संयुक्त है, क्योंकि पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का वर्णन वो कर चुके। जिस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को आचार्य जयसेन सम्यक ज्ञान का अधिकार कहते हैं और जिस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को आचार्य जयसेन सम्यक दर्शन का अधिकार कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिनकी भूमिका में प्रकट है, अष्ट पावड़ की वो गाथाएं याद करो कि अरे ग्रस्त दशा में रहने वाला हरि हरादर हो, अरे तीर्थंकर भी हो, जब तक वे ग्रस्त दशा में रहते हैं तब तक उनको भी केवल ज्ञान नहीं होता, इसलिए नग्नता ही मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। क्या मतलब? कि मोक्ष का राजमार्ग नग्न दिगंबर वीतरागी दशा है, उस वीतरागी दशा का, नग्न दिगंबर दशा का स्वरूप आचार्य कुंद कुंद ने प्रतिपादित करते हुए कहा कि यदि तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो, है ना, सम्य दर्शन हुआ ना, तो बहुत सा दुख तो मिट गया लेकिन अभी भी बहुत दुख बाकी है, अभी भी कसाई का दुख बाकी है, विपरीतता का, श्रद्धा का दुख मिटा लेकिन अभी कसाई का दुख बाकी है, संपूर्ण दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो यह श्रामण्य अंगीकार करो, और इस श्रामण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है उसके प्रणेता हम ये खड़े हैं। कितना वजन होगा उस बात में, देखो जब हम इनके जीवन पर विचार करते हैं ना अपने को बहुत प्रेरणा मिलती है। तीर्थंकर परमात्मा का विरह लगा, कैसा विरह लगा,
कि अरे रे भरत क्षेत्र में भगवान का विरह, उनके उस एक विकल्प ने भगवान सिमंदर के समोसरण में उन्हें पहुंचा दिया, है ना। बहुत से लोग आजकल इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जीव यहां से विदेह क्षेत्र और ओविश सदेह चला जाए। मैंने कहा भाई ये हुंडा सर्पणी काल है, समझ आएगा नहीं है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं हो सकती, और वो हुई है और उनको हम लोग स्वीकार करते हैं। हम ये कहते हैं इसे हुंडा सर्पणी का ही एक करिश्मा मान के स्वीकार कर लो, क्या तकलीफ है। हुंडा सर्पणी का ये भी एक करिश्मा कि कितना ही बुरा काम हो उसने कुंद आचार्य देव को विदेह क्षेत्र पहुंचाया, पहुंचे वहां पर। अरे इसके तो प्रमाण है, शिलालेख है, आचार्य जयसेन, आचार्य देवसेन, श्रुत सागर सुरी, तीन तीन ग्रंथ आचार्य, तीन तीन आचार्यों के प्रमाण और अनेकों शिलालेख इस बात के उपलब्ध हैं। वहां गए, 8 दिन तक भगवान की वाणी सुनी, ठीक है। तो क्या विशेष उपलब्धि लेकर के आए थे, क्या विशेष उपलब्धि लेकर आए वहां से कि देखो छठा सातवां गुणस्थान तो यहां भी था और छठा सातवां गुणस्थान वहां से आने के बाद भी रहा, है ना। हुआ क्या कि जो तत्व ज्ञान जिस मोक्ष मार्ग रूप परिणमन कर रहे थे, उस मोक्ष मार्ग की जीवंतता और मोक्ष मार्ग का जीवंत फल वहां दृष्टिगोचर हुआ। सुबह चर्चा की थी पंडित जी ने, अभय जी ने चर्चा की थी ना, कि प्रवचन सार ग्रंथ सचमुच उस वातावरण से लौट करके बनाया हो ऐसा लगता है, और ये होता है। आप अमेरिका होके आओ ना और 5-15 दिन वहां रह के आओ तो 2 महीने यहां खुमारी नहीं उतरती, नहीं है? खाने बैठेंगे तो अमेरिका में जैसा बैठते थे, कुछ भी काम करेंगे तो फटाफट अमेरिका 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 याद आएगी कि नहीं आएगी अपने को, है ना। तो एक कुंद आचार्य उस विदेह क्षेत्र में जहां सिमंदर परमात्मा की तो साक्षात उपस्थिति, गणधर देवों की उपस्थिति, आचार्य भगवंतों की उपस्थिति, कितने आचार्य वितरागी संत होंगे उनकी उपस्थिति, और उन उपस्थिति में 8 दिन तक भगवान की निरक्षरी ओंकार वाणी का श्रवण करके आए और आकर के ये मार्ग प्रसिद्ध किया कि जो मार्ग यहां भगवान महावीर की दिव्य देशना में प्रवाहित हुआ, आज वही मार्ग भगवान सिमंदर की दिव्य देशना में विदेह क्षेत्र में प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि भाई मुक्ति का मार्ग तीनों काल में और सर्व क्षेत्रों में एक ही प्रकार का होता है, है ना। भरत क्षेत्र के जीवों के लिए कोई अलग मुक्ति का मार्ग हो, विदेह क्षेत्र के जीवों के लिए कोई अलग मुक्ति का मार्ग हो, चौथे काल के जीवों के लिए कोई अलग मुक्ति का मार्ग हो और 5वें काल के जीवों के लिए कोई अलग मुक्ति का मार्ग हो, ऐसा कभी नहीं होता है। देखो मार्ग की प्रगटता और मार्ग की पूर्णता अपने अपने पुरुषार्थ पर आधारित है। जिसको जितना पुरुषार्थ होगा उसको उतना मार्ग प्रकट होगा, पुरुषार्थ की कमी होगी तो मार्ग की प्रकटता नहीं होगी, पूर्णता की, मार्ग की पूर्णता की प्रकटता नहीं होगी, मतलब पूर्ण मार्ग फल प्रकट नहीं होगा। लेकिन मार्ग में बदलाव नहीं होता, है ना। जमाना बहुत बदल गया, मैंने क्या बदल गया, 20 साल पहले जो हलवा बनता था और आज हलवा बनता है, आज हलवा खाया ना सबने, तो आज हलवा बनता है तो कैसे बनता था 20 साल 30 साल पहले जो आप बनाते थे और अभी बनाते हो, उसकी विधि में क्या अंतर आया है। कि पहले तो साहब 1 रुपए किलो घी था, मैंने कहा अभी 600 रुपए 700 रुपए किलो घी है तो क्या करते हैं? कि पहले घी में सेकते थे आटे को और अभी पानी में सेकते होंगे क्योंकि घी महंगा हो गया, ऐसा करते हैं ना, नहीं करते। क्यों? कि महंगा हो सस्ता हो विधि वही रहेगी,
हाँ पहले आप चूल्हे पे बनाते थे, अभी आप गैस पे रख के बनाते होंगे, बर्तन बदल गए होंगे, है ना, बार का आकार प्रकार ये सब बदल गए, कुछ मैंने इनमें चेंज आया होगा, लेकिन विधि में चेंज नहीं आया, विधि वही रहेगी, पद्धति वही। मोक्ष मार्ग की प्रकटता, मोक्ष मार्ग की विधि वो कि वही रहने वाली, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। चौथे काल में करो तो भी यही, और पांचवें काल में करो तो भी यही, और अगली बार चौथा काल आवे तब करना तो भी मार्ग की विधि यही रहेगी। अरे नहीं साहब वो तो चौथे काल में तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए, चौथे काल में नहीं थे क्या, नक्की तो करो चौथा काल। चौथा काल होता तो जैसे ऐसी बातें करते हैं कि जैसे चौथा काल होता तो ये यहीं से सीधे, अरे चौथे काल में नहीं थे अपन। देखो भैया ये जो बहानेबाजी है अपन लोगों की, ये अपने लिए भारी पड़ने वाली है। आचार्य कुंद कुंद ने जो संदेश अपने को दिया कि तीनों काल, मैंने वहां विदेह क्षेत्र से आकर के उन्होंने ये कहा कि महावीर भगवान की बात और सिमंदर भगवान की बात में जरा सा अंतर है। अरे अनंत तीर्थंकरों की ये बात है, तुम तो एक तीर्थंकर की बात कर रहे हो। भूत काल में जितनी चौबीसियां हो चुकी और भविष्य काल में जितनी चौबीसियां होंगी, विदेह क्षेत्र में भूतकाल में जितने 20-20 तीर्थंकर हो चुके और भविष्य काल में जितने 20-20 तीर्थंकर होंगे, 170 तीर्थंकर भी होंगे, ऐसे अनंत तीर्थंकरों की जो परंपरा चल रही है, उस परंपरा में बताया गया मुक्ति का मार्ग एक ही प्रकार का है। हमको जिनवाणी के स्वाध्याय के माध्यम से उस मार्ग को समझना पड़ेगा। देखो प्रवचन सार में दो बातें आई हैं, ये तो अपन जानते हैं ना कि जगत के सभी जीव दुखी हैं, बराबर है, छटाला में बोलते हैं, बोलते सब हैं, मानते कुछ नहीं है, है ना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, क्या बोलते हैं कि तीन भुवन में जितने जीव है, मैंने इसको ऐसा लगता है जैसे तो तीन भुवन के बाहर का जीव है, वो तो उनकी बात है। अरे अपने को लगना चाहिए ना, दुखी है तो दुख के अभाव का रास्ता भी है, और वो दुख के अभाव का रास्ता क्या, दुखी क्यों, पहले तो ये नक्की करो, बहुत सारी बातें इसमें, दुखी क्यों, अच्छा बोलो दुखी क्यों, कभी विचार किया, जब हमें यही पता नहीं कि हम दुखी क्यों हैं तो दुख का अभाव कैसे करेंगे भैया। दुख के कारण पर जब तक हम चोट नहीं करेंगे, जिस कारण से हम दुखी हैं जब तक हम उस कारण को दूर नहीं करेंगे, हमारे दुख का अभाव कैसे होगा, नक्की करो जरा। क्या बताया दुख का कारण, अभी छड़ाला से ले लो, प्रवचन सार में भी वही बात कही है, छड़ाला में वही बात कही है, सब में वही बात, क्या कहा दुख का कारण, क्या बताया वहां पे, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको बरमतवादी। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, जिनका 300वां जन्म शताब्दी वर्ष अपन लोग मना रहे हैं, तीसरी शताब्दी हो गई उनको, तीन शताब्दी पहले हुए, उनके चौथे अधिकार में उन्होंने लिखा, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कहा हमको तो है आपा पर का ज्ञान, ये हमारा मकान है तुम्हारा मकान है, नहीं आपा पर का ज्ञान नहीं है, ये हमारा बैंक बैलेंस, अरे हम तो अपने आजकल तो हम तो पति पत्नी में भी आपा पर करते हैं कि ये तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये तुम्हारी इनकम टैक्स की फाइल, ये हमारा बैंक बैलेंस, ये हमारी इनकम टैक्स की फाइल, हमें तो है आपा पर का ज्ञान कि जो तेरी डेड अकल है ना, गुजराती भाषा में बोलते हैं कि डेड अकल तेरे को बहुत दुख देगी भाई। आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, माने आपा माने कौन, कि जिसको तुम आपा मान करके बैठे हो, ऐसे आपा तो तुमने अनंत भवों में अनंत जगह अनंत बार माने, और वो आपा टिका नहीं है, जिस पर्याय में गया उस पर्याय में आपा माना था, जिस पर्याय में गया उस पर्याय में आपा माना था, जिस पर्याय में जहां गया
अरे गंदी से गंदी पर्याय में गया हो, आता है ना अपने यहां उदाहरण कि राजा ने राजा से राजा आर करा रहे थे मुनिराज को, तो मुनिराज को थोड़ी मुस्कुराहट आ गई, तो वो उससे पूछा कि महाराज आप हंसे क्यों, कि संसार की विचित्रता देख करके थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। क्या आ गई? ये राजा मर करके सातवें दिन अपने ही पाखाने में कीड़ा होगा, आ गया होगा ठीक। राजा ने कहा हे भाई, अपने बेटों को बुला के कहा कि देख भैया मुनिराज हैं, इनकी बात अवधि ज्ञानी है ना, तो इनकी बात असत्य तो हो नहीं सकती, सातवें दिन मर के, तो जैसे ही मैं मरूं और ऐसा कीड़ा तुम्हें नजर आवे, क्योंकि उन्हें रंग रूप बता दिया, साफ कर दिया। घटनाक्रम ज्यों का त्यों घटित हुआ, जैसे जैसे उस कीड़े को मारने के लिए गया वो अंदर घुसता गया। समझ में क्या आया कि जो पर्याय, जो जीव जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में वो तन्मय हो जाता है ना। गुरुदेव श्री तो बहुत उदाहरण देते थे, जिस कुकर शुकर को अपन लोग छू जावे तो नहाते हैं ना, और उसी पर्याय में अपन लोग कितनी बार जन्मे होंगे जरा बताना। देखो भैया जन्मे होंगे ये कह रहा हूं, अभी हम जन्मेंगे ये बात तो कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मूल मार्ग है ना जिनेंद्र परमात्मा का, ये अपने हाथ में आया, अपने को सुनने में आया और अपन लोग सुनने आए हैं। प्रमाद छोड़कर इस भाव में ये काम कर लेने जैसा है ना। मोह से जीव दुखी है और इसमें मोह के छह के उपाय बताए प्रवचन सार में, दो बातें बताई, एक तो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात करी, मोह के छह के संदर्भ में क्या बात करी, अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाला अपनी आत्मा को जानता है, और अपनी आत्मा को जानता है उसका मोह छह होता है। मतलब क्या बात कही कि मोह का छह तो जब भी होगा तब अपनी आत्मा को जानने से होगा। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा की विस्मृति का नाम मोह है। मोह किसका नाम है? मोह किसका नाम है? भूल आपको भरमतवादी। किसका नाम मोह? अपने आप को भूलने का नाम मोह है। तो अपने आप को भूलना मोह है, तो अपनी आत्मा को स्वसंवेदन से जानना, जानना माने खाली विकल्प से जान लिया, शास्त्र ज्ञान से जान लिया, गुरु की वाणी से जान लिया, है ना, कि ये जानने को जानना नहीं कहती जिन वाणी, स्वसंवेदन पूर्वक जानना, वो मोह क्षय का एकमात्र उपाय है। शिष्य ने कहा अपनी तो आदत है ना, कैसा और कोई, हर जगह अपनी आदत है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, और कोई? हालांकि आचार्य ने कह दिया कि दूसरा कोई उपाय नहीं है, और मेरी मति तो व्यवस्थित हो गई, तू भी ये मान करके अपनी मति को व्यवस्थित कर ले। नहीं, लेकिन जीव को चैन नहीं पड़ता, और कोई उपाय? तो हां, उन्होंने कहा है। क्या उपाय है? कि स्वाध्याय से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानना। अच्छा, अच्छा क्या है? बात एक ही है, कहने का तरीका बदला। पहले कहा भगवान को मान, द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जान, कि दूसरा उपाय कि भगवान की मान। क्या कहा? भगवान को मान या तो भगवान की मान, और भगवान ने क्या प्रतिपादित किया बोलो, कि द्रव्य गुण और पर्याय स्वरूप, वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, जिनवाणी में द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ये गाथा है आचार्य कुंद कुंद देव की इसी प्रवचन सार में, कि द्रग मोह क्षय हो। और गजब की बात देखो आप, कि जहां जहां मोह की बात करी उनने, वहां वहां क्षय की बात करी। द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। मोह का क्षय होता है कि महाराज आप पंचम काल के साधु और हम पंचम काल के श्रोता, अरे उपशम की बात करते, क्षय उपशम की बात करते, सीधे क्षय की बात करते हो। मोह का आयतन, कितना भी समझा दो नहीं समझ सकते। समझ आया? क्या कहा? नक्की करो भैया, छह
क्षय की बात करी। क्या मतलब? कि तू चिंता मत कर, क्या साहब मैं गिर जाऊंगा, मैं एक समय दर्शन में कर लूं, लेकिन मेरा समय दर्शन छूट जाए तो, मैं गिर जाऊं तो, मैं पड़ जाऊं तो। कि जो शुरू से गिरने पड़ने की बात करता है, तो अपने मेवाड़ में एक कहावत कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कि ये रोता हुआ गया है, ये मरे की खबर लेके आए। अरे होगा कोई गिरने वाला, होगा कोई पड़ने वाला, हम तो मोह का क्षय करके सीधे केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष जाने वाले हैं। अंदर से उछाला क्यों नहीं आता? व्यापार धंधा करते हो ना, व्यापार धंधा करते हो तो उसमें क्या सोचते हो, गए भैया इतने लोगों ने व्यापार किया, अपने सामने सामने देखो कितनों के बोल्ट उल्टे हुए हैं। कोई विद्यार्थी अपने घर में अपना लड़का हो, ओके भैया क्या हुआ, कि नहीं बहुमत के साथ हो, क्या बहुमत के साथ, हमारी क्लास में 40 से 25 गए, क्या बोला उसने, कि 25 गए तो मैं भी उनके साथ, क्यों 15 पास हुए वो नहीं दिखा तुझे। अरे भाई भले ही उत्तीर्ण होने वाले, भले ही पार होने वाले कम हो, लेकिन होते तो है ना, तब ये बहाना बनाता है, अरे साहब क्या बात करते हो, 608 और वो भी 6 महीने 8 समय में। बहाने बहुत है अपन लोगों के पास, चिंता बहानों की कमी नहीं है, 6 महीने 8 समय में 608, हमारा कहां नंबर लगेगा, है ना। मैं कहता हूं इसका उल्टा क्यों नहीं सोचते हो, अपनी सोच ही तो बदलनी है खाली, उल्टा क्यों नहीं सोचते हो, 6 महीने 8 समय में 608 जाते हैं ना, तो मेरे बाद 607 और जाएंगे। क्या कहा, क्या कहा, कि मेरे बाद 607 और जाएंगे, ये क्यों नहीं उल्लास अंदर से आता, 608 जाएंगे, अपना कहां नंबर लगने वाला है, अनंत जीव हैं, लेकिन 608 जाते हैं ना, सोच की बात है। आचार्य देव हमारी अनादि काल की सोच को बदलते हैं, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप अपने को बताते हैं, मोह के क्षय की विधि अपने को बताते, क्या नहीं दिया। श्रामण्य की बात करो तो कितनी उछलते हुए भाव से इस परमागम में उन्होंने श्रामण्य की बात की, हम जिनवाणी के पन्ने खोल करके पढ़ने का कष्ट करें। देखो एक बात समझना, गुरुदेव श्री ने स्वाध्याय की परंपरा का विकास किया, ये बात गुरुदेव श्री के अनुयायी ही नहीं, उनसे असहमति रखने वाले भी इस बात को मानते हैं कि अगर स्वाध्याय लोग हों तो वो मुमुक्षु मंडलों में है, ऐसा सब लोगों की मान्यता है ना। मतलब एक एक स्वाध्याय की परंपरा का विकास किया, आज अपन लोग जितने जितने स्वाध्याय से दूर होते जाएंगे, मैं खाली क्योंकि 3 दिन का प्रोग्राम है ना ये, तो मैं खाली इसलिए आपको एक प्रेरणा आपको कर रहा हूं सबको, कि स्वाध्याय जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होगी, जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, खुद की बुद्धि से काम चलेगा, स्वाध्याय करके निर्णय करें, क्योंकि अगर हमने स्वाध्याय नहीं किया, जिनवाणी को हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, द्रव्यगुण पर्याय के स्वरूप को समझने की कोशिश नहीं की, जिनवाणी में है क्या, द्रव्यगुण पर्याय के अलावा क्या चर्चा है जिनवाणी में, द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप समझकर हम ये निर्णय कर पाएंगे कि इसमें से किसका अवलंबन करने योग्य है और किसका अवलंबन करने योग्य नहीं है, ये निर्णय हम स्वाध्याय के बल पर हमारे को आएगा। इसलिए ये प्रेरणा आप सभी अपन ग्रहण करें, आचार्य कुंद ने यह कहा कि द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, मैंने मिथ्यात्व के अभाव के लिए, क्योंकि मिथ्यात्व का अभाव तत्व आत्मा की अनुभूति से होता है और आत्मा की अनुभूति तत्व निर्णय से होती है और तत्व निर्णय तत्व विचार से आएगा, तत्व हम विचार ही नहीं करेंगे तो निर्णय कब करेंगे, और विचार कब करेंगे, जब कुछ पढ़ेंगे सुनेंगे जिनवाणी के सानिध्य में रहेंगे तो अपन लोग निर्णय कर पाएंगे।
अपन लोग बहाना बना देते हैं, क्या करें हमारे पास समय नहीं है। मैंने क्यों नहीं है समय, दिन में कितने घंटे होते हैं बताओ, बताओ कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24 घंटे। आपके पास कितने घंटे हैं? आपके पास कितने घंटे होते हैं 24 घंटों में से? 24 होते हैं ना, फिर आप कैसे कहते हो समय नहीं है? ये कहें कि हमारे पास उपयोग को बर्बाद करने के साधनों में लगाने से बचने का समय नहीं है, ये हम कह सकते हैं। हमने अपने उपयोग को बर्बाद करने के साधन खुद इतने इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि हम उन साधनों का उपयोग भी कर सकते हैं। आज आपको जिनवाणी आपके मोबाइल पर मिलती है ना? अभी टोडर मलजी साहब की बात चली थी ना, टोडर मलजी साहब का जमाना याद करो, जिनका 300 शताब्दी वर्ष अपन मना रहे हैं। जयपुर में वो थे ना पंडित जी, तो उस समय जय मैंने षटखंडागम ग्रंथ पढ़ने की उनको भावना जागृत हुई है ना। और उस जमाने में दक्षिण देश में षटखंडागम विराजमान थे, लेकिन टोडरमल जी साहब को एक ऐसी योग्यता थी उनकी विशिष्ट छोपसम की कि वो कन्नड़ लिपि को पढ़ लेते थे, कन्नड़ लिपि को पढ़ लेते थे। 5 साधर्मी जनों को जयपुर से दक्षिण देश में भेजा गया, और आज की तरह नहीं कि फ्लाइट में बैठे 2 घंटे में मद्रास, ऐसा नहीं है। 5 साल का समय लगा, कितना? 5 साल का, और 2000 रुपए उस जमाने में खर्च हुए, लेकिन पंडित जी साहब को षटखंडागम पढ़ने को नहीं मिल पाई, एक साधर्मी की रिश्ते में मौत हो गई। उनको जिनवाणी के प्रति कितना प्रेम था कि वो जिनवाणी लाने के लिए आदमी भेज रहे हैं, और आज अपने को जिनवाणी का कितना प्रेम है भैया जरा बताना, आज अपने को कितनी सुलभता से जिनवाणी मिलती है। जिन उपयोग को बर्बाद करने के साधन हमने जो इकट्ठे किए, उसमें कुछ ऐसी चीजें भी अपने को दी है कि आज अपन अपने मोबाइल पर भी जिनवाणी सुन सकते हैं, जिनवाणी को पढ़ सकते हैं। लेकिन जितनी जिनवाणी को सुनने की सुलभता हमको मिली, हम जिनवाणी से उतने दूर भागते हैं। 3 दिन के प्रोग्राम में आ जाने का मतलब मैं जिनवाणी की स्वाध्याय में आ गए हम लोग ये नहीं मानता हूं। आपको बुरा लगे तो आपके एरिया का ही हूं, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बुरा लगे तो बुरा लग जाए, और बुरा लग के भी अगर आप और हम लोग दैनिक स्वाध्याय में आने की प्रेरणा ले सकें तो ये बुरा लगना भी सार्थक है। सोचना जरा, जब तक हम अपनी आत्मा के लिए इस शरीर का, इस शरीर अभी अपन लोग बढ़िया बोलते हैं अपने आप को, हम बहुत बढ़िया हैं, हम गणित बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बताओ मुझे इस शरीर की कितनी उम्र हो गई बताओ जरा? 30 साल से नीचे का तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, हो सकता है कोई हो भी, ये हमारे सुलभ वगैरह बैठे हैं ऐसे कुछ हो, सब ऊपर ही है ना 30 साल से, नीचे भी कोई होगा। कितने साल अभी जीना है इस पर्याय में बताओ? अभी अभी हिसाब लगाता हूं ना, सारा कैलकुलेशन करता हूं आपके सामने, कितने साल जीना है बोलो? 100 साल की उम्र मान लें, अधिकतम 60-70 साल जीना है। और आत्मा, ये आत्मा इस भव में है, वही आत्मा अगले भव में भी वही आत्मा रहेगी कि सोतेला आत्मा आ जाएगा? हैं, वही आत्मा रहेगा, यानी मैं, आत्मा माने मैं, तो वो आत्मा अनंत काल तक रहेगा। तो जो अनंत काल तक मैं हूं, जो मेरी अनंत काल तक की सत्ता है, उसके लिए 24 घंटे में से कितना समय देते हैं? सोचना। और जिसकी मुश्किल से अभी हम लोग 50-55 के हो गए, तो 10-15 साल के मेहमान अगर उम्र रही तो, है ना, तो ऐसे अपने अपने में सब लगाओ, हम इस शरीर के लिए कितना समय देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनवाणी यह कहती है कि तुम मेहनत कर करके मर जाना, पुण्य के उदय प्रमाण मिलेगा, उससे अधिक मिलेगा नहीं। एक बात अब लगा लेना गणित, इस पॉइंट में बात कह दी, बाकी लगाना हिसाब। दूसरी बात कि भाई साहब हम सब लोग जमानत पर छूटे हुए जमानती लोग हैं। आप कहोगे हमने क्या गलती की हम जमानत पर छूटे हुए कह रहे हो?
क्या भाई साहब बहुत बड़ी गलती की है, अपनी आत्मा को नहीं समझना, अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं करना, अपनी आत्मा का सम्य दर्शन प्रकट नहीं करना, मिथ्यात्व जैसा महापाप है ना। अनंत काल, गुरुदेव श्री बोलते थे अनंत काल तो इसका पीहर में बीता है, निगोद को पीहर बोलते थे वो, ठीक है। 2000 सागर के लिए अपन त्रस पर्याय के लिए आए, 2000 सागर अधिक साधिक अधिकतम सीमा है ये, इसमें दो अवसर है हमारे सामने, या तो अपनी आत्मा को समझकर सिद्धालय की ओर गमन कर जाए तो फिर वापस जाने की जरूरत नहीं है, और अगर अपनी आत्मा को समझकर सिद्धालय की ओर गमन नहीं किया तो कितने ही अनुव्रत अंगीकार कर लेना, कितने ही महाव्रत अंगीकार कर लेना, कितने मंदिर बना लेना, कितने दान दे देना, कितनी पूजा कर लेना, कितने व्रत उपवास यम नियम संयम कर लेना, निगोद जाने से नहीं बचोगे। अब बोलो क्या बोलते हो इसको, 2000 सागर माने जैसे जेल से कोई अपराधी को छोड़ा जाए, और इसलिए छोड़ा जाए कि अब तुम गलती मत करना जमानत पर, ऐसे हम लोग जमानत पर छूटे, ये त्रस पर्याय ये हमारा जमानत का काल है। जरूरी नहीं है कि 2000 सागर के लिए जमानत में छूटे तो 2000 सागर यहां रहना ही पड़ेगा। ज्यादा गलती की, जैसे कोई आदमी जेल से निकला और जमानत हो गई, जेल से निकला तो जेल से निकलते ही क्या किया, एक पत्थर उठाया और दे जेलर के सिर पे, तो फिर क्या करेंगे, जमानत पे छूटा है, जमानत पे छूटा है तो कुछ भी करे ना, वो तो उसी समय जेल में, इसी समय इसी प्रकार मिथ्यात्व की तीव्रता में आए, अपने आत्म स्वभाव की विराधना की तीव्रता में आए, 2000 सागर का भी इंतजार नहीं है, पहले भी जा सकते हैं, है ना। अब ये बात क्यों कही कि अब ये समझो कि कदाचित त्रस पर्याय का हमारा यह अंतिम भव हुआ तो क्या होगा, कभी विचार किया। अपन इतनी प्लानिंग बनाते हैं, छोटी से छोटी कोई मतलब 2-5-10 हजार की चीज खरीदें, 20 हजार की चीज खरीदें, फ्रिज खरीदा, कितने साल की गारंटी है, क्या बोलते हैं? कितने साल की गारंटी है, वो तो मेरी दुकान नहीं है, नहीं तो मैं पूछता तेरी कितने साल की गारंटी है कि बेटा तू कितने साल भोगेगा ये बता, कितने साल की गारंटी है, मतलब प्लानिंग कितनी हमारी लंबी 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 प्लानिंग चलती है, लेकिन उस प्लानिंग में हमने आत्म कल्याण को शामिल किया कि नहीं किया, नक्की कर लेना भाई जरा, बहुत गंभीरता से विचारने का विषय है। अपनी आत्मा के साथ हम रिस्क ले रहे हैं, है ना, ये कोई डराने की बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ये सब डराने की बात है, नरक स्वर्ग किसने देखे, मैंने कहा स्वर्ग की बात तो हम नहीं करते, लेकिन ऐसा कहने वाले ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है, है ना? जिसको जिनवाणी का भरोसा नहीं आवे, क्यों आचार्य भगवंतों को हमसे कोई दुश्मनी थी, अरे उन्होंने तो वन जंगलों में रहकर, आपको पता है जिनवाणी कैसे मिली है, ये सातवें गुणस्थान की निर्विकल्प दशा में से च्युत होकर सविकल्प दशा में आए, जिसके लिए कहा जा रहा था, सुबह चर्चा चली थी ना शायद, कि अंगारे हैं अंगारे, शुभ राग जिनको अंगारा लगता है, हमको पाप की भट्टी में से निकालने के लिए, सुनना जरा ध्यान से, हमें पाप की भट्टी में से निकालने के लिए मुनिराज पुण्य के अंगारों में आए हैं। ये शुभ भाव, ये शास्त्र लिखे ना, ये शुद्धोपयोग का फल नहीं है, ये शुभोपयोग परिणति में लिखे गए शास्त्र हैं, और शुभोपयोग परिणति को इसी प्रवचन सार की 10वीं 11 नंबर की गाथा पढ़ लेना, घी का उदाहरण दिया है कि घी स्वभाव से शीतल होता है और अग्नि का संसर्ग करे तो उससे जलते हैं, छठे गुणस्थान की भूमिका में आए वे भावलिंगी संत, उनकी करुणा देखो कि स्वयं आग में जल करके भी छठे गुणस्थान की दशा में आए, अंगारों में जलना है, लेकिन क्यों, क्योंकि हम भट्टी में पड़े थे, अशुभ भाव तो भट्टी है, पाप, हम तो पाप में पड़े थे, वहां से हमें उभारने के लिए
अपनी आत्म संपदा बताने के लिए ये वीतरागी संत आए हैं। है कोई अनियोग हो, सब संतों की यही दशा होती है। लिखा, विकल्प आया, लिख दिया। कैसे कैसे लिखा, ताड़ पत्र पर कैसे कैसे जिनवाणी लिखी। आप लोग दक्षिण देश में यात्रा करने जाते हो, ताड़ पत्र के ग्रंथ देखते हो, कैसे कैसे लिखी होगी जरा कल्पना करो। ये उत्तराधिकार अपन लोगों को देके गए हैं, ज्ञानियों की लंबी परंपरा अपने को ये उत्तराधिकार देके गई है। कल्पना करो जरा, भगवान महावीर से आज तक जितनी पीढ़ियां हुई, एक पीढ़ी ने अगर दूसरी पीढ़ी में तत्व ज्ञान संप्रेषित नहीं किया होता, एक पीढ़ी भी अगर ये गैप कर देती, तो आज ये तत्व ज्ञान अपन लोगों तक नहीं पहुंचता, है ना। अपन लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और अपन लोगों का आत्महित की दृष्टि से कर्तव्य है। पहले तो आत्महित की दृष्टि से ये कर्तव्य कि इस जिनवाणी का स्वाध्याय करें। और आज तो अपन लोग कितने सुलभ हो गए, अपन लोग आज पूजा विधान के माध्यम से भी अपने को जिनवाणी सुनने को मिल रही है। लेकिन पूजा विधि, पूजा विधान के माध्यम से जिनवाणी का सैंपल मिल रहा है, स्वाध्याय तो और गहराई से करनी पड़ेगी, है ना। मैंने ये विधान करके क्या हमारा मन प्रवचन सार पढ़ने के लिए लालायित नहीं होता। करे जब इस विधान की सामान्य, मैंने सामान्य बातें आती ना, सामान्य पूजा का अर्थ ही आएगा, ज्यादा विस्तार तो आ नहीं सकता पूजा विधान में, जब उसमें इतना रस है तो जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे तो कितना रस आएगा। बस इसलिए यही कहना है मूलतः कि आप ही अपन लोग जिनवाणी के स्वाध्याय से जुड़े, स्वाध्याय से तत्व विचार का मार्ग मिलता है, तत्व निर्णय का मार्ग मिलता है, तत्व निर्णय से अपन लोग आत्म स्वभाव को समझकर मोह के क्षय की विधि को प्राप्त करके उस मोह का क्षय कर सकते हैं। मोह का क्षय होने पर कषायों का अभाव होता है और कषायों का अभाव होकर वीतरागता की पूर्ण दशा अपन लोगों को प्राप्त होती है। भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया, और अपन लोग तो भक्त नहीं भगवान बनेंगे वाले हैं, है ना। तो भगवान जो वास्तव में भक्त नहीं भगवान बनेंगे ये भावना रखता है ना, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। क्यों? क्योंकि कोई भगवान ये नहीं चाहता, हमारा वीतरागी भगवान ये नहीं चाहता कि ये मेरा भक्त बना रहे। कोई देखो, कोई गुरुजी होते ना, गुरुजी तो कोई गुरुजी ये चाहते हैं कि मेरा ये मेरा शिष्य हर साल मेरी क्लास में बैठा रहे, चाहते हैं? ये सोचते होंगे कितना वफादार, कितना आज्ञाकारी, कितना अनुवर्ती, मेरा अनुसरण करने वाला, कि देखो भला आदमी मुझे छोड़ के जाता ही नहीं है? हर साल मेरी क्लास में रहता है, ऐसा बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, कैसा निठल्ला है ये। वो उसको अपना शिष्य कहलाने में गौरव अनुभव करेंगे कि देखो भाई ये मेरा शिष्य है जो पिछले 5 साल से मेरी एक ही क्लास में बह रहा है, मैं इस शिष्य के प्रति गौरवान्वित हूं, ऐसा कहेंगे वो है? किसके प्रति गौरव आता है? गुरु को भी गौरव किसके प्रति आता है? गुरु को भी गौरव उसके प्रति आता है जो गुरु ने कहा उसे कर दिखाया, है ना। उसको गौरव, उसका गौरव आता है गुरु को भी। इसी तरह हमारे ये ज्ञानी धर्मात्माओं ने जो हमें मार्ग बताया, चाहे प्रवचन सार के माध्यम से, चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी साहब का जन्म शताब्दी 3रा चल रहा है वो, चाहे समय कोई भी अनियोग पढ़े हम, लेकिन स्वाध्याय करें। और मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा हमारे जीवन का एक बदलाव और कोई नहीं हो सकता कि हम इस 7वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष में यहां से ये संकल्प लेकर के जाएं कि टोडरमल जी साहब का 307 वर्ष चल रहा है ना, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का इस वर्ष में स्वाध्याय करेंगे। और प्रवचन सार विधान हमने किया ना, तो हम इस प्रवचन सार ग्रंथ का इस साल में स्वाध्याय करेंगे। और आपको एक और सूचना दूं कि विक्रम संवत 1978 में गुरुदेव श्री को समय सार मिला था पहली बार, और वो समय सार, एक समय सार गुरुदेव को मिला
और आज गुरुदेव ने समय सार को ब्याज सहित अपने को लुटाया। 19 बार सभा में प्रवचन करके और घर घर में समय सार पहुंचा करके 2 साल बाद उस समय सार की प्राप्ति का शताब्दी वर्ष आ रहा है और हम उस अवसर पर समय सार विधान के माध्यम से, समय सार प्रवचन के माध्यम से, समय सार ग्रंथ मूल ग्रंथ के माध्यम से हम स्वाध्याय करेंगे। तो प्रवचन सार की प्रवचन सार को पढ़ करके हम तैयार रहें, इन 2 सालों में प्रवचन सार को पढ़ करके अपन तैयार रहें कि प्रवचन सार की द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु व्यवस्था की नींव पर हम समय सार की दृष्टि के विषय का महल खड़ा करने के लिए अभी से तैयार हो जाएं। इसी भावना के साथ अभी अपनी बात यहां में पूरी कर